काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मुस्कुराते हुए दुर्लभ तस्वीर को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। इसके लिए बीएचयू के छात्र और प्रोफेसर एक साथ खड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस फोटो की नीलामी लंदन में आज होनी है, जिसकी कीमत $10,00,000 रखी गई है। छात्र और प्रोफेसर चाहते हैं ये तस्वीर भारत आए। इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर देश की आजादी के लिए कॉन्फ्रेंस के दूसरे चरण की बैठक में भाग लेने गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की बैठक से बाहर निकलते समय ली गई। दुर्लभतम तस्वीर है। कारण ये है कि 1931 7 सितंबर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि असफल हुई, और उस कॉन्फ्रेंस से निकल रहे हैं महात्मा गांधी और महामना मालवीय। उसी समय एसोसिएटेड प्रेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक फोटोग्राफर ने ब्लैक एंड वाइट तस्वीर खींची। उसमें दोनों राष्ट्रीय नेता ये मुस्करा रहे हैं। एक तो दुर्लभता ये है कि एक असफल कॉन्फ्रेंस से निकल करके, एक असफल मीटिंग से निकल करके भी उनकी मुस्कान, ये बहुत रीएश्योरिंग है, बहुत ही आश्वस्त करती है भारतीयों को कि हम देश को आज़ाद हम लोग करेंगे सब भारतीय। लंदन में महात्मा गांधी और महामना मदन मोहन मालवीय की इस दुर्लभ तस्वीर की नीलामी को लेकर बीएचयू के छात्र काफी दुखी हैं। छात्रों का कहना है कि मालवीय जी हमारे पिता तुल्य हैं और महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और इनकी तस्वीर को नीलाम करना काफी कष्टदायक है। इसलिए छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस नीलामी को रोकने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि ये तस्वीर भारत आए, जिसे संग्रहालय में रखा जाए। रिगार्डिंग ऑनलाइन पिटीशन दायर किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। इससे जैसे आपको बताया भी गया कि 100+ सिग्नेचर्स ऑल ओवर इंडिया से हो चुके हैं। ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है, हमारे लिए एक तरह का सेंटीमेंट है, हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं महात्मा जी के रूप में और मालवीय जी के रूप में। तो वो पेंटिंग इंडिया में आए और या तो जैसा कला संग्रहालय में रखा जाए हमारे बीएचयू के, या फिर इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने म्यूजियम में रखे, सहेज के रखे इन यादों को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छात्र और प्रोफेसर ने तस्वीर को भारत लाने के लिए मुहिम तेज कर दी है। देखना है उन्हें इस मुहिम में कितनी कामयाबी मिलती है। वाराणसी से नीरज कुमार, APN।